पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में सपा में कुछ साथियों की बगावत ने जिला पंचायत अध्यक्ष सीट के नामांकन को नाकाम करा दिया। पार्टी में अंदरूनी खींचतान के चलते नामांकन न होने पर खफा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला पार्टी दफ्तर पर हंगामा किया। सभी ने जिलाध्यक्ष से तत्काल पार्टी के गद्दारों को बाहर किए जाने की बात कही। गुस्साए कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर परिसर में लगे पोस्टर भी फाड़ दिए। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि पूरे घटनाक्रम से हाईकमान को अवगत करा दिया गया है, जैसे निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। जिलाध्यक्ष ने स्वीकारा कि पार्टी के ही कुछ लोगों की बगावत के चलते पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। ऐसे लोगों की सूची हाईकमान को भेजी जा रही है, संस्तुति मिलते ही बगावत करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष सीट के नामांकन को सपा सुबह से ही तैयारी में लग गई थी। भाजपा के नामांकन के चलते सपा ने दोपहर बाद नामांकन कराने की बात कही, लेकिन दोपहर 3 बजे तक सपा के पदाधिकारी प्रस्तावक का इंतजार करते रहे। पार्टी के कुछ सदस्यों के निजी स्वार्थ में विपक्षी पार्टी के साथ जुड़ने से ऐसे हालात बने। सपा प्रत्याशी का नामांकन न होने पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। हंगामे के बीच पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी की साख को धूमिल करने वाले बाहर किए जाएं। इसी बीच बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम ने भरी बैठक में कहा कि पार्टी के महासचिव सबसे बड़े गद्दार हैं, इनको तत्काल हटाया जाए। महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए जो अपने घर के सदस्य को बगावत से नहीं रोक पाए, ऐसे लोगों का पार्टी में होने का कोई मतलब नहीं। इसी बीच बागी साथियों की करतूत से खफा कुछ कार्यकर्ताओं ने दफ्तर परिसर में लगे पोस्टरों को भी फाड़ दिया। पार्टी के प्रत्याशी जो हैं उनकी कोई कमी नहीं रही। उन्होंने लगातार हमारे समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य जीते थे यहाँ 11, उन वो संपर्क में थे। लास्ट में आज नामांकन होना था तो उसमें जो प्रस्तावक था हमारा, उसको जबरदस्ती जिला प्रशासन ने कैबिनेट करा लिया और वहाँ पे पुलिस के बल सर उसको आने नहीं दिया पार्टी ऑफिस तक। कहीं ना कहीं उसकी जो निर्बोध बनने का यही कारण रहा है। मैं जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, कुछ जो जिले के पदाधिकारी हैं वो लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को, दोनों को हमने लिखा है। वहाँ से संतुति आ जाएगी तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। आज की हालात ये हैं कि समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में बेशक बहुत मजबूत है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है मुरादाबाद। यहाँ 4 विधायक भी हैं, 1 MP भी है, और उसके बावजूद समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर्चा नहीं भर पाया। ये हमारे लिए भी और हमारे विधायकों के लिए और सबके लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। पर ऐसी परिस्थिति में यहाँ के जो जिला प्रशासन है उसका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। हमारे जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं, जिस दिन से जीते हैं उस दिन से लगातार टॉर्चर करा जा रहा है। उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, कोई कारोबार हो रहा था उसको सील करने का डरा धमका कर, और जो आज हमारा प्रस्तावक आना था उसको भी डरा धमका कर जबरदस्ती उसके घर से पुलिस ने किडनैप कर लिया और उसको आने नहीं दिया। ये कौन लोग, उनकी क्या जानकारी है आपको? जिन लोगों की जानकारी मिली है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनकी सूची बना ली गई है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से स्वीकृति मिलते ही उनको पार्टी से बाहर करा जाएगा। आपस में हमने सभी जिला पंचायत सदस्यों की महिला सीट थी, जिन सदस्यों की महिला जीती थी उनको हमने सबने बैठाया, सबसे बात करी। सभी जिला पंचायत सदस्य थे जब हमने प्रत्याशी घोषित करा, ऐसी कोई वो नहीं थी, सबकी सहमति से प्रत्याशी बनाया गया था। आज आपके द्वारा यहाँ पर अभी पोस्टर फाड़े गए, क्या वजह रही? कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी करी है, हमें गुस्सा है कहा जो हमारी पार्टी के साथ इन गद्दारों ने करा है, उसको लेकर ही उनके पोस्टर फाड़ा है और आगे भी ऐसे गद्दारों के साथ यही अंजाम होगा। और हमारे फोटो फाड़ा उनका, और जो ये गद्दारी कर रहे हैं लोग, इन्हें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा पार्टी के अंदर। क्या लगता है ऐसे लोगों को रहना चाहिए? बिल्कुल पार्टी में नहीं रहना चाहिए, गद्दार हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं ऐसे गद्दारों की। तो अब क्या संगठन ने कोई तैयारी की है इनके खिलाफ कार्रवाई? वो जिला अध्यक्ष जी बताएंगे आपको, महानगर अध्यक्ष बताएंगे। हम कार्यकर्ता हैं, हमें गुस्सा था। क्या क्या नाम उन लोगों के जो पीछे हैं? छोड़िएगा उनके नामों को, आपने सब देखा है, और शाम तक पता चल जाएगा आपके कौन कौन लोग हैं, कैसे क्या क्या करते हैं वो। जो पोस्टर था वो किसका था आपने देखा है? आपसे बार बार क्यों रिपीट कर रहा है इस बात को? आपको सब पता है किसका पोस्टर था? पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।